Being human is intelligence because otherwise it's pure conditioning. And sir, इस दोहे में भी इसी मानव जन्म, सर मानव जन्म का मतलब यही हुआ कि नाव में स्थापित हो गए, like not literally being human, but being in नाव सर, वो भी और ये भी दोनों सेम. उसमें कहीं कोई अंतर दिख रहा है, कोई विरोध है? पहले मेरे को लग रहा है लिटरली बीइंग ह्यूमन से. देखिए, बीइंग ह्यूमन, हमारे दिमाग में जब भी ये शब्द आएगा ना, ह्यूमन, तो एक छवि कौन थी शरीर की? आपसे कहा जाए मनुष्य या ह्यूमन बीइंग, तो तुरंत एक छवि आ जाती है ना आंखों के सामने. लेकिन जब आप वास्तव में ह्यूमन होते हो, उस समय आप भूल जाते हो कि आप ह्यूमन हो. उस समय आपको ये याद नहीं रह सकता. बात को समझिए, उस समय आप कुछ नहीं होते हो. यदि सेल्फ कॉन्शियसनेस बची हुई है, तो वर्ल्ड कॉन्शियसनेस भी रहेगी. और फिर बीइंग कॉन्शियसनेस जैसा कुछ नहीं रहेगा. आप गौर करिएगा, आपके ध्यान के गहरे क्षण में आप कोई बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि आपका रूप रंग आकार क्या है. आपकी पहचान क्या है, आप हो कौन? ह्यूमन बीइंग का अर्थ बिल्कुल भी वो नहीं है जो आंखों के सामने चित्र उभरता है कि एक मनुष्य शरीर खड़ा हुआ है. और उसका प्रमाण एक ही है, प्रमाण है ध्यान. प्रमाण यही है कि आप अपने आप से पूछें कि जब वास्तव में गहरे उतरा होता हूं तब ये सब याद रहता है कि कौन हूं, कहां से आया हूं? भूल जाते हैं. और मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एक साथ ही चलती हैं. कोई आपके सामने भी खड़ा है और उससे आपका संबंध वाकई आत्मिक है, वाकई छिलके छिलके पर नहीं है, सतह सतह पर नहीं है, तो आप पाएंगे कि आपके लिए महत्वहीन होने लगेगा कि वो कौन है. बिल्कुल महत्वहीन होने लगेगा, क्योंकि कौन से तो हमारा अर्थ ही होता है दुनिया भर के नाम, लेबल, रिश्ते, पहचाने, ये महत्वहीन होना शुरू हो जाएगा. ध्यान वाकई गहरा है तो आपके लिए यह भी महत्वहीन हो जाएगा कि सामने वाला ह्यूमन बीइंग है या नहीं है. और तब आप वास्तव में ह्यूमन हैं, जब ह्यूमन बीइंग होने के भाव से छुटकारा मिल जाए, तब समझिए कि ह्यूमन हुए. मनुष्य वास्तव में वही मनुष्य जन्म की सार्थकता वास्तव में उसको ही जिसने मनुष्य होने के भाव से ही छुटकारा पा लिया. और ये छुटकारा
कुछ कर करके नहीं पाया जाता। आप बैठ के साधना करते रहें तो उससे छुटकारा नहीं पाएंगे। ये तो सहज ध्यान का फल होता है। प्रेम की, एक होने की गहरी अनुभूति आप में चाहे किसी पदार्थ के लिए उठे, चाहे एक बिल्ली के बच्चे के लिए, और चाहे किसी इंसान के लिए। प्रेम जैसे जैसे गहराएगा वैसे वैसे यह बात गौण होती जाएगी कि प्रेम का विषय क्या है। अब प्रेम का विषय महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, मन महत्वपूर्ण रह जाएगा। प्रेम आपके मन का माहौल बनता जाएगा, प्रेम मनोस्थिति है। जो सतही प्रेम होता है वो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होता है। विषय भी महत्वपूर्ण है। गहरा प्रेम होता है वो एक होता है, विषय कोई भी हो। फर्क नहीं पड़ता किसके प्रति है, एक है। रूप रंग आकार जब कीमती न लगे, जब उनकी ओर इतना भी ध्यान न जाए कि आप कहें कि कीमती नहीं है, क्योंकि ये कहना कि कुछ कीमती नहीं है कम से कम उस वस्तु के होने का एहसास तो कराता है, चाहे आप कहीं कीमती है चाहे कहीं कीमती नहीं है। जब ये विचार ही आना बंद हो जाए कि कीमती है कि नहीं है, बस आपकी मौजूदगी है, आपका होना है, आपकी सत्ता का सहज प्रस्फुटन है, सहज संबंध है, उस समय कौन मैं और कौन तू, याद किसको है? दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह लीजिए कि तुम ना होते, कोई और भी होते, तो भी जो अभी घटना घट रही है वो ऐसी ही रहती, क्योंकि वो व्यक्ति सापेक्ष है ही नहीं। उसमें हम बदल क्या देंगे? वो वैसा ही रहता। और फिर उसका ये भी अर्थ है कि अभी जो है वो बस तुम्हारे ही लिए नहीं हो सकता, वो समष्टि के लिए है। समष्टि के लिए है इसका ये अर्थ नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ कम हो गया। सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है इसका ये अर्थ नहीं है कि उसकी रोशनी आपको कम पड़ जाती है। तो मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ है मनुष्यत्व की साधारण सीमाओं का अतिक्रमण। हम लगाते उल्टा हैं। हम सोचते हैं मनुष्य होने का अर्थ ही यही है कि सीमाओं में रहो। जो सीमाओं में ही है, जो खंडित में ही है, जो नकली में ही जी रहा है, उसने भी क्या जाना मनुष्य होना। जिस सत्र शुरू होने से पहले ही वीडियो चल रही थी, इसमें प्रश्न उठा है कि व्हेन वाज यूनिवर्स बॉर्न, तो आपने कहा नाउ, और फिर बात आगे बढ़ी कि द कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम इज अ लाई।
इसमें परसेप्चुअल है। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रवाह ही सत्य है और प्रतिशत प्रतिपल मृत्यु, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे? हमने कहा जो प्रवाह को समझ लेगा, जो प्रतिपल मृत्यु को समझ लेगा, वो अमृत तक पहुंच जाएगा। प्रवाह सत्य नहीं है पर प्रवाह ही सत्य का द्वार है, क्योंकि आपके पास जो साधारण उपकरण है जानने का, जिससे आपके जानने की बहुधा शुरुआत होती है, वो तो प्रवाह को ही देखता है। आप शुरुआत तो इंद्रियों से ही करोगे, आप शुरुआत तो मन से ही करोगे, आपके जानने की शुरुआत तो इंद्रियों से मन से ही होगी, वो प्रवाह को ही देखेंगे। आपकी आंख खुलेगी, आपको वस्तुएं और विषय यही सब दिखाई देगा, आपके कान सुनेंगे, आपको शब्द ही दिखाई देगा, मन में विचारों के अलावा क्या उठेगा, शुरुआत तो यहीं से करोगे। और चाहे वस्तुएं हो, चाहे शब्द हो, चाहे विचार हो, ये सब प्रवाहमान है। इन्हीं प्रवाहों में जो गहरे उतर जाता है, जो ध्यान से देख लेता है उनको, वहीं उसे सत्य दिख जाता है। अब ये बात थोड़ी सी मन को कठिन लगती है, ये कह दिया जाए कि जो भी कुछ इंद्रियगत है उसको छोड़ दो, जो भी कुछ बदल रहा है उसको छोड़ दो, तो बात थोड़ी आसान लगेगी कि चलो भाई एक निष्कर्ष आ गया कि जो भी कुछ बदल सकता है उसको त्याग ही देते हैं, ठीक सिद्धांत मिल गया, ये बात आसान लगती है। पर ये बात जितनी आसान है उतनी मुर्दा भी है, क्योंकि सभी कुछ तो बदल रहा है। क्या क्या त्यागोगे? तुम्हारे हाथों में जो कुछ पकड़ के आएगा वो धूल ही होगा, धूल को कहां तक त्यागोगे? तो बात इसीलिए चुनने की नहीं है। यहां पर हमारे पास ये सुविधा है ही नहीं कि हम चुन सकें कि जो कुछ भी बदल रहा है उसमें जीना है, या जो स्थिर है, अकंप है, अचल है, उसमें जीना है। दोनों जुड़े हुए हैं जैसे बीज और छिलका। यहां चुनने का सवाल नहीं पैदा होता, एक से होकर ही दूसरे में प्रवेश किया जा सकता है। तुम कौन हो? ईमानदारी से इस बात का जवाब दोगे तो यही कहोगे, मैं वो हूं जिसके पास एक शरीर है, शरीरी हूं, शरीरधारी हूं, यही जवाब है कि नहीं? शरीर से हमारा रिश्ता इतना गहरा है कि मुझे ये जवाब भी देना है तो तुम्हारे शरीर की ओर देखना पड़ रहा है। मैं किसी और दिशा में मुंह करके यदि जवाब दूं तो तुम्हें अटपटा लगेगा। तो ईमानदारी से इस बात को मानिए कि सब कि हमारा बड़ा तादात्म्य है शरीर से, शुरुआत वहीं से करो। ठीक है प्रतिपल बदल रहा है, पर मैं तो इसी से जुड़ा हुआ हूं और मुझे तो दिखाई भी नहीं पड़ता कि बदल रहा है। और कोई आ करके सिद्धांत पर सुना दे कि ऐसा है और वैसा है और इसकी प्रकृति बदलने की है, उससे मुझे कुछ बोध नहीं हो जाएगा। ठीक है एक जानकारी मिल गई, कुछ बोध तो नहीं हो जाएगा। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं जो मुझे लगता है कि है, और मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं। ठीक है वहीं से शुरुआत करो, अपनी आंखों से तो देखो ना बदलना। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, थोड़ा निर्भीक होना पड़ता है।
क्योंकि जितना तुम बदलाव को देखोगे उतना तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो भी कुछ तुम मानते हो झूठा है। मानना तो हमेशा ठहरा हुआ होता है ना, और बदलाव का अर्थ ही है कि कुछ ठहरा हुआ नहीं है। तो बड़ी हिम्मत चाहिए ये स्वीकार करने के लिए, बदला कि बदल गया। जानते हो सब बदल रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है कि तुम नितांत नंगे हो, क्योंकि अतीत का कुछ लेकर के तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जो अतीत का था वो गया, तो संपत्ति कैसी? कुछ इकट्ठा किया ही नहीं जा सकता। हिम्मत चाहिए अपने इस अकेलेपन में जीने के लिए। पर मजा भी बहुत है उसमें, खुमारी है। डर लगता है शुरू में ये स्वीकार करने में कि जो है वो जाएगा, जा रहा है, इतना भी नहीं ठहर रहा। पर जो उसके निकट आते हो तो पाते हो कि डर मुझे इस बात का नहीं रहता है कि जो मेरी संपदा है, जो मैंने इकट्ठा कर रखा है, चाहे स्थूल रूप में चाहे स्मृति रूप में, वो खो जाएगा। डर मुझे कभी संपदा के खोने का नहीं रहता है, डर हमेशा मुझे अपने खोने का रहता है। पर खोने की इस प्रक्रिया के निकट आओ, साहस करके इसके निकट आओ, इसको देखो कि हाँ खो रहा है, तो तुम्हें दो बातें दिखाई देंगी। पहला ये कि खो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये जो खो रहा है उसे खोने के बावजूद मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। हम आमतौर पे दूसरी बात भूल जाते हैं, पहली याद रह जाती है कि खो जाएगा, वो ठीक है खो जाएगा, दूसरी याद नहीं रहती है। हमने पकड़े हुए के साथ अपने आप को इतना जोड़ रखा है कि हमें शक रहता है कि हमारे विचार खोएंगे, हमारी पहचान खोएगी, तो हम भी खो जाएंगे। ये हमारा गहरे से गहरा डर है। हमें लगता है ये गया, वो गया, रिश्ते गए, नाते गए, ज्ञान गया, सब बदल ही रहा है अगर, तो मैं कहाँ बचा? लेकिन नहीं, बदलते हुए के पास आकर के इसी चमत्कारिक तथ्य का उद्घाटन होता है कि सब बदल रहा है, सब खो रहा है, लेकिन फिर भी तुम नहीं खो रहे। तुम हो, वो एक नया तुम होता है, वो मैं नहीं होता जो बदलने के साथ बदल जाए। वो एक नए ही तुम होते हो जिसके परितः इर्द गिर्द सब कुछ बदल रहा है, पर वो अचल है। ये मन ने आत्मा को जाना। मन आमतौर पे स्वयं को ही आत्मा माने रहता है, तो इसी कारण डरा रहता है। आत्मा माने सत्य, आत्मा माने मैं, मेरा होना। मन आमतौर पे यही माने रहता है कि जो है सो मैं ही हूं, तो इसीलिए डरा रहता है। और ये मानने में तो उसे खास तौर पे डर लगता है कि सब परिवर्तनशील है। सब परिवर्तनशील है तो मैं बचूंगा कैसे? संतों ने आपसे कहा है परिवर्तनशीलता के तथ्य
को निडर होके जानो, स्वीकारो, जो जाता है उसे जाने दो। जो आता है उसे आने दो। जाने के बाद भी तुम बचते हो, और कितना भी कुछ आता रहे उससे तुम्हारे होने में कुछ जुड़ नहीं जाता। तुम हो, पर ये बात मानसिक नहीं है। ये बात गहरे आत्मिक अनुभव की है।